नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके और हमारे अपने चैनल पे स्कोर प्लेयर। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में जो हीरो ISL का मैच जो है हम कवर करने वाले हैं, जो होने वाला है आज 7:30 बजे, जो होगा गोवा वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच में। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जो है ज़रूर जाना दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है टेलीग्राम चैनल की तरफ जो है लेके चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए जुड़ना जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है, क्योंकि सारे के सारे अपडेट जो है आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाते हैं। वीडियोस की लाइनअप, टीम की लाइनअप से लेकर कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस, हर चीज़ जो है आपको जो टेलीग्राम पर जुड़ जाती है। अगर आपको क्या करना है टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे अब आप जो है सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पे आप जो है ड्रीम इलेवन स्कोर प्लेयर जो है सर्च करेंगे, तो भी आपको जो ईजिली जो हमारा चैनल मिल जाएगा। 819 जो है सब्सक्राइबर के साथ जो हमारा चैनल है, अगर आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस नंबर को इनक्रीज़ करवाना चाहते हैं, तो आप जो है नीचे जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जो है ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल टीम अपडेट जो है टेलीग्राम पे आ जाता है। अगर यूट्यूब की टीम में कोई भी चेंजेस होते हैं, प्लेयर में कोई चेंजेस होते हैं, लाइनअप में कोई भी अपडेट्स आने के बाद कोई चेंजेस होते हैं, तो उसका अपडेट जो है टेलीग्राम पर जो है मिल जाता है। तो टेलीग्राम पर जुड़ना आप लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो टेलीग्राम पे जो आप ज़रूर जुड़ जाना। और फुटबॉल अगर आप खेलते हैं, तो फुटबॉल के लाइनअप भी हम जो है दे देते हैं, तो इसलिए अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल के लाइनअप भी हम आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, तो आप जो है टेलीग्राम पे जो है जुड़ जाना। हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं टीम की। तो उससे पहले आपको बता दें, फैंटेसी पावर 11 एक नया ऐप आया है, जिसमें आप जो है क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल जो है खेल सकते हैं। तो अगर आप जो है क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप जो है इस ऐप के थ्रू जो है खेल सकते हैं और एक अच्छी जो है विनिंग कर सकते हैं। लेस इन्वेस्टमेंट मैच हो सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है विड्रो है, मिनिमम 100 अमाउंट से जो है विड्रो हो जाता है स्टार्ट। तो अगर आप लोग जो है फैंटेसी पावर 11 ऐप आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, और आप मेरे रेफर कोड के साथ जो है ज्वाइन करेंगे, तो आपको जो है 100 रुपीज़ का जो है साइनअप बोनस जो है मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो है रेफर कोड डालना है 8910 8910, आपको जो है रेफर कोड डालना है और आपको जो है 100 रुपीज़ का जो है साइनअप बोनस मिल जाएगा, और आप इस साइनअप बोनस के साथ जो है क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल के मैचेस जो है खेल सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं गोवा वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो बात करें सबसे पहले लाइनअप की, तो दोस्तों लाइनअप अभी जो है नहीं आया है, जैसे कि आप लोगों को पता है 1 घंटे पहले जो है लाइनअप आता है, तो 1 घंटे पहले हम जो है लाइनअप का इंतज़ार करेंगे। ये स्टेडियम में जो मैच होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, जिस स्टेडियम में जो है आज का जो है मैच होने वाला है। बात करेंगे अब स्टैट्स की, स्टैट्स में आपको बताते हैं आपको क्या क्या चीज़ें जो है पता चलती है। सबसे पहले पता चलता है क्लब रैंकिंग क्या है, फिर आपको मैच प्लेड, विन, ड्रॉ, लॉस, क्या पॉइंट पे जो है दोनों टीम जो है चल रही है, गोल फॉरवर्डिंग, गोल अगेंस्ट, गोल डिफेंस क्या क्या है, और लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड जो है क्या रहा है इन दोनों के प्रीवियस मैचेस का, वो जो है आपको जो है स्टैट्स में जो है पता चल जाता है। सबसे पहले दोनों टीम को एक साथ रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोवा, गोवा की टीम जो है 2 नंबर जो है क्लब रैंक पर जो है चल रही है, वहीं पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम जो है 8 नंबर जो है क्लब रैंक पर जो है चल रही है। मैच प्लेड की बात करते हैं, 11 मैच जो है गोवा की टीम खेल चुकी है, वहीं पे 9 मैच जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम जो है खेल चुकी है। विन की बात करें तो 6 मैच जो है गोवा ने जो है विन करे हैं, वहीं पर 2 मैच जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने जो है विन करे हैं। ड्रॉ की बात करें तो 3 मैच यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं, यहाँ पे 5 मैच जो है ड्रॉ हुए हैं। लॉस की बात करें, 2 मैच यहाँ पे जो है गोवा की टीम हारी है, और वहीं पे 2 मैच जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम जो है हारी है। अब बात करेंगे पॉइंट्स की, तो 21 पॉइंट पे गोवा की टीम चल रही है, 11 पॉइंट पे जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम चल रही है। मेन पॉइंट आते हैं गोल फॉरवर्डिंग, गोल अगेंस्ट और गोल डिफेंस, क्योंकि यहीं से आपको पता चलता है कि कौन सी टीम जो है स्ट्रॉन्ग है। गोल फॉरवर्डिंग की बात करें तो 11 मैच में 23 गोल, एक बहुत अच्छा टारगेट जो है सेट किया हुआ है, वहीं पर जो है 9 ही गोल हुए हैं, तो इतना अच्छा टारगेट जो है सेट नहीं हुआ है। अगेंस्ट की बात करें तो 14 गोल जो है अगेंस्ट भी हुए हैं, यहीं पर जो है 12 गोल जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जो है अगेंस्ट भी हुए हैं। डिफेंसिंग की बात करें तो 9 गोल जो है डिफेंस हुए हैं, वहीं पे -3 का रेशियो जो है लग चुका है। तो यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट जो है इतनी जो है स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बात करें गोवा की टीम के कंपैरिजन से। तो
अब लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड्स में आपको जो पता चल जाता है टीम की परफॉर्मेंस जो है क्या रहने वाली है, क्या परफॉर्मेंस जो है टीम जो है देने वाली है। लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड की बात करें तो जो है फर्स्ट मैच जो है लॉस हुआ है, फिर आखिरी के 4 मैच जो है विन हुए हैं। तो मतलब जो है परफॉर्मेंस रही है लास्ट 4 मैचेस में वो जो है आपको जो है गोवा की जो टीम है उनकी जो एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है रही है। वहीं बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का जो है ड्रॉ हुआ है, फिर लॉस लॉस ड्रॉ ड्रॉ, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी एक मैच जो है विन जो है नहीं होते हुए दिखाया आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम की साइड से। 3 ड्रॉ हुए हैं और 2 जो है लॉस आपको जो है देखने को मिले हैं। अब आपको जो है टीम की तरफ लेके चलते हैं, तो इस मैच में जो हम जो है गोवा की टीम को जो है सपोर्ट करेंगे, जो है हमारा जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा, फर्स्ट सपोर्ट जो होगा वो गोवा की टीम को होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ये टीम यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जो है ज़रूर करके जाना दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से जो है आपका जो एक सपोर्ट जो है बना रहता है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पे जो है जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। और फैंटेसी पावर 11 का भी जो है आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को डाउनलोड करना जो है मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ऐप जो है होने वाला है। तो बात करते हैं टीम की, FCG वर्सेस NEUFC। तो सबसे पहले क्रिएट टीम वन करेंगे। बात करेंगे क्रिएट टीम की, तो सबसे पहले फॉरवर्ड की बात करते हैं। तो फॉरवर्ड की चॉइस में हमारे पास एक बेस्ट प्लेयर आते हैं एफ क्रोमेंस और ए ज्ञान, ये 2 आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस आते हैं। फिर आपके पास ऑप्शंस में आते हैं आर टेलिंग भी आपके पास एक अच्छे ऑप्शंस में जो है आते हैं और लाइनअप में आपको देखने को जो है मिल सकते हैं। बात करें मिडफील्डर की, तो मिडफील्डर की बी फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी चॉइस, एंड बॉमर्स एक बहुत अच्छी चॉइस, फिर उसके बाद एज होल आपके पास एक अच्छा ऑप्शन, एल रॉगट्स एक ऑप्शन ऑप्शन। सो आपके पास ये 2 जो हैं एक अच्छे ऑप्शन आते हैं जिनको आप जो है लेके चल सकते हैं। लाइनअप में भी आपको जो है ये दोनों जो है देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें पी टू डास आपको जो है देखने को मिल जाएंगे लाइनअप में मिडफील्डर की रेंज में। डिफेंडर की बात करें तो एम फोल एक अच्छी चॉइस आती है, एस फ्रेंड्स एक अच्छी चॉइस आती है, सी पीना एक अच्छी चॉइस आती है। तो डिफेंडर में आपको जो है ये 3 जो है ऑप्शन में जो है देखने को मिलेंगे, सी पीना, एम फोल, एस फ्रेंड, ये तीनों के तीनों प्लेयर आपके लिए एक अच्छी चॉइस आती है डिफेंडर की रेंज में। फिर आपके पास आते हैं रेगन सिन एक अच्छी चॉइस आती है। बात करेंगे अब गोलकीपर की, गोलकीपर हमारे पास जो है 2 रेशियो में जो है बना सकते हैं, या तो हम एस रॉय बनाएं क्योंकि अगर हमें लगता है डिफेंसिंग होगी एस रॉय की साइड से और गोल फॉरवर्डिंग होगा FCG की साइड से, तो हमें जो है एक्स्ट्रा पॉइंट जो है मिल सकते हैं एस रॉय की साइड से। एक तो आपको जो है इस रेशियो में जो है आप जो है गोलकीपर चूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आपके पास एम नवाज आते हैं। एम नवाज आपके लिए एक सेफ ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि NCU की साइड से आपको इतने गोल ऑप्शन जो है नहीं होते दिखेंगे, तो आप जो है इनको जो एक नॉर्मल क्रेडिट पॉइंट पर जो है लेके जो है चल सकते हैं। लेकिन हम जो है एस रॉय के साथ जाएंगे क्योंकि हमारे लिए जो है एस रॉय एक अच्छा ऑप्शन जो है हो सकता है। अब हमारे पास जो है एक प्लेयर की जो है चॉइस बनती है, एक प्लेयर की चॉइस में हम जो है मिडफील्डर में जो है अपना एक प्लेयर जो है चूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो आप देखेंगे क्रेडिट इशू जो है हो गया है, क्रेडिट इशू में हम क्या एक गयान को जो है रिस्क लेके जो है हटा सकते हैं, और फिर उसके बाद एल रोगस को जो है लेके चलेंगे। फिर हमारे पास एल रोगस के बाद जो है एल डिगू ये आते हैं क्योंकि हमारे पास जो है क्रेडिट प्रॉब्लम जो है आ गई है। क्रेडिट प्रॉब्लम जो है अब ख़त्म हो गई है क्योंकि हमने ए ज्ञान को जो है मिस करके ए ज्ञान की जगह आर टेलांग को जो है ले लेंगे, क्योंकि आर टेलांग भी जो हमें जो है लाइनअप में जो है देखने को मिल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस की, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है इस मैच में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है गेम प्ले जो है दिखाने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं लोग किसके साथ जा रहे हैं। मोस्टली लोग जाते हैं एफ क्रोमिंस के साथ क्योंकि एफ क्रोमिंस जो है हमारे फॉरवर्ड हैं और एक अच्छे प्लेयर हैं। फिर हम जो है एफ क्रोमिंस को जो है कैप्टन चूज़ करते हैं। वाइस कैप्टन की चॉइस में आपके पास 2 चॉइस आती है, सी पीना या एच ब्रोमन्स और सी पीना आपके पास जो वाइस कैप्टन की जो चॉइस आती है। जो एच ब्रोमन्स है ये आपको जो असिस्ट करने के ऑप्शन में जो देखने को मिल जाएंगे, सी पीना आपके लिए गोल फॉरवर्डिंग में भी जो है आपको कभी कभार रिस्क के फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं, या तो आपको जो है अगर आपको लगता है इस मैच में गोल फॉरवर्ड नहीं होता है तो आपके लिए सी पीना एक बेटर ऑप्शन में भी जो है रह सकते हैं। तो सबसे पहले बबात करें वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन के लिए मैं आपको 3 ऑप्शन जो है बता रहा हूँ, सी पीना, एच ब्रोमन्स और बी फ्रेंड्स। इन तीनों में से आप किसी को भी जो है लेके चल सकते हैं। हम जो है रिस्क लेके सी पीना के साथ जो है चलेंगे, अगर आप लोग सी पीना के साथ चलना चाहते हैं, या जो है अगर आप रिस्क लेके देखें, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं और स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आपके लिए रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस रिस्क ले रहे हैं तो सी मीना और एल ड्रोगन, ये आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, इन दोनों में से आप किसी को भी जो है लेके चल सकते हैं। मार्क कर देता हूँ ये 2 ऑप्शन आपके लिए रिस्क ले रहे हैं, तो आपके लिए ये 2 ऑप्शन होते हैं वाइस कैप्टन के लिए। और वहीं अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आपके पास एच ब्रोमन्स होते हैं और बी फ्रेंड्स होते हैं वाइस कैप्टन के ऑप्शन के लिए।
तो आप इन दोनों में से किसी को भी जो है कैप्टन वाइस कैप्टन जो है चूज़ कर सकते हैं, आप लोग के लिए, आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है हो सकता है। बाकी का अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।